एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। आज आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर सा पार्टी वियर, मैसी लो बन साइड फ्रेंच के साथ हेयर स्टाइल। तो आप लोग के लिए वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल। जिसके भी छोटे बाल हैं वो ये बन बना सकता है, बहुत ईजिली बना सकता है, तो ट्राई जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। सेकेंड चैनल जिसमें मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहती हूँ, सिलाई कोर्स प्रीति तिवारी चैनल का नाम है, तो प्लीज़ उस पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस हेयर स्टाइल के लिए आपको सबसे पहले ईयर टू ईयर पार्टिंग करनी है, ओके। इस तरीके से इस साइड से पार्टिंग कर लेनी है, फिर दूसरी साइड से भी ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेनी है। उसके बाद से आपको जो अपने क्राउन एरिया के थोड़े से हेयर ले लेने हैं, ओके। थोड़े से हेयर लेके इस तरीके से यहाँ पे क्लचर की मदद से सिक्योर कर लेना है, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है, जो ईयर टू ईयर पार्टिंग किए इन वालों को ऐसे ही छोड़ देना है दोनों साइड से। अब बैक में जो हेयर है उनको अच्छे से कॉम करना है, ओके। कॉम करके आपको एक रबड़ बैंड लेना है, पतला चौड़ा आपकी चॉइस है, तो मैं अभी पतला वाला यूज कर रही हूँ। इस तरीके से, ओके, नीचे के हेयर को इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद अगेन ये वाली जो हेयर है यहाँ से रबर बैंड को उठाना है और इस तरीके से फिंगर को लेके आना, इस हेयर को ऐसे खींच देना है और ऊपर के हेयर को अच्छे से फैला देना है। इसके बाद इसको यू पिन से एक बन का लुक दे देंगे, डोनेट बन जैसा लगता है, उस तरीके से राउंड में पूरा फैला के यू पिन से इसको सिक्योर कर देना है। दो यू पिन लगा लीजिएगा, ओके। तो ये हमारा मैसी का बन बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। अभी क्या करेंगे, फ्रंट से हमको हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्लचर को ओपन कर लेंगे और एकदम साइड से आपको नहीं स्टार्ट करना है, बीच से थोड़ा सा हेयर लेना है और इसके साथ जैसे हम लोग फ्रेंच बन बनाते हैं वैसे बनाते जाना है। ये कलर मैंने कैसे किया है, कौन सा कलर है, इसकी वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिएगा, मैंने अपलोड कर दी है। थोड़ा थोड़ा हेयर साथ में मिलाते जाएंगे, ओके। बहुत ही सुंदर लगेगा, पार्टी वियर हेयर स्टाइल है। आप इसको साड़ी के साथ, सूट के साथ, कुर्ती के साथ, सबके साथ बना सकते हो। फ्रंट से मैं ये लेयर ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ, तो इसको मैं इस साइड कर देती हूँ ताकि हमको ये चोटी बनाने में दिक्कत ना आए। पतला पतला सेक्शन लेके ब्रेड को बनाते जाएंगे। ओके, इस तरीके से बैक से पूरा हेयर लेते हुए जो हमने क्राउन एरिया पे छोड़े थे वो भी हेयर इनके साथ ही मिक्स कर देंगे। जहाँ पे थोड़ा सा लूज लग रहा है क्योंकि हमको ये बन पीछे की तरफ लेके जाना है, तो इस तरीके से टाइट कर लीजिए ओपन करके। पूरा एंड तक चोटी को बना लेंगे, ओके। एंड तक बनाने के बाद से इस वाले हेयर को ऐसे ही रखेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे सिक्योर कर लो ताकि ये खुल ना जाए। मैसी बन हेयर स्टाइल है, फ्रेंच अप टू मैसी लो बन हेयर स्टाइल। अब इस साइड के हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे और इस तरीके से ऊपर से लेके जाएंगे और यहाँ से अपने बन के चारों तरफ लपेटते हुए एक मशीन लेंगे और इसको सिक्योर कर देंगे, ओके।
अब ये वाला जो बना है आपका हेयर स्टाइल ये है, इसको ऊपर से लेके जाएंगे बन के चारों तरफ, और यहाँ से क्लिप को खोल देंगे और यहाँ पे क्लिप को ऐड करेंगे। और ये काफ़ी अच्छे से लॉन्ग टाइम तक टिकता है, बस आपको यू पिन थोड़े से ज़्यादा लेने होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5-10 मिनट में ये खुल जाएंगे। आप अपनी पार्टी के लिए इसको बना के रख सकते हो, और जब भी यू पिन लगाते हो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आपकी रबर बैंड तक आपका यू पिन जाए, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल है वो लंबे टाइम तक टिका रहे। ओके, और ये हमारा बन हेयर स्टाइल बन के कम्प्लीट हो चुका है। बैक से कुछ इस तरीके का लुक आएगा। तो आई होप कि आपको आज का हेयर स्टाइल पसंद आया हो और इजी लगा हो, आसानी से आप इसको बना सकते हो पार्टी वगैरह में, और जा सकते हो बड़ी बड़ी बालियों के साथ, झुमकों के साथ आप इसको बना सकते हो हेयर स्टाइल को। और लेयर्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो ये जो लेयर है इसको यहाँ से इस तरीके से ले जाके यहाँ पे पिनअप कर दो तो भी अच्छा दिखेगा ये हेयर स्टाइल। तो कैसा लगा आपको आज का हेयर स्टाइल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आई होप कि पसंद आई हो आपको, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और भी मैं इस तरीके से बैठ के सोचती रहती हूँ किस टाइप का हेयर स्टाइल आज अपलोड किया जाए, और मेरे माइंड में जैसे आता है मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मैं आगे और भी अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल्स की वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक जरूरी टिप्स है हेयर फॉल से रिलेटेड, आप चाहो तो जैसे आपका हेयर फॉल हो रहा है तो आप कोई भी शैम्पू ले लो, माइल्ड शैम्पू लेना है आयुर्वेदिक शैम्पू, उसमें आपको ग्लेशियर एक से दो चम्मच ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ बालों में लगा के अच्छे से झाग बना के 2 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर वॉश करना है। धीरे धीरे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा और आपके बालों में जो उलझन रहती है वो भी सुलझ जाएगी और आपके हेयर काफ़ी अच्छे ग्रोथ तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाएंगे। ये मैंने खुद ट्राई किया हुआ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला इस चीज़ से।